सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में सीखा है, हमारी कोशिश ये है कि आपने जिंदगी के बारे में भी कुछ सीखो, है ना। क्योंकि इस फील्ड में हमने काफी समय दिया है और हमने बहुत उतार और बहुत चढ़ाव देखे हैं, और अब आप असल में एक नॉलेज लेके जा रहे हैं। सीधी सी बात है, देखो बोलते हैं हार्ड वर्किंग करो, हार्ड वर्किंग करो, हार्ड वर्किंग तो सभी कर लेते हैं। मेरे से किसी ने कहा या तुम 8 घंटे काम करो, 20 घंटे काम करो, तुम देखना तुम्हारी कमाई इतने दुगनी हो जाएगी। मैं करने लगा तो अब पसीना आ रहा है, मतलब मर रहे हैं, डट रहे हैं, बनियान पहन के करने लगा, फिर मेरी कमाई तो होगी हो रही। मैंने बोला यार तुमने कहा 20 घंटे काम करो, लगातार काम करो तो कमाई दुगनी हो जाएगी, पर दुगनी नहीं हुई। तो फिर मैं सोच में पड़ गया, मैंने बोला क्या करूं अब मैं कि कमाई को दुगनी करूं, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। तब मैं रास्ते में जा रहा था ना, तो मुझे ना एक गधा देखा, गधा, और गधे को देखकर मैं समझ गया कि वो गधा नहीं, वो आईना है, वो एक्चुअली मैं अपने आप को देख रहा हूं उसमें। गधा दिन भर गोदा धोता है ना, कितना धोता है, एक मजदूर दिन भर 300 रुपए के लिए कितनी मेहनत करता है, एक एक बोरी उठा के रखेगा, एक एक बोरी उठा के रखेगा। तब मैं समझा कि हमें हार्ड वर्किंग करनी है, पर सिर्फ हार्ड नहीं, स्मार्ट वर्किंग करनी है, हमको दिमाग के साथ वर्क करना है अपना। तब फिर मैंने नॉलेज के साथ काम किया, मैंने नॉलेज गेन लिया। सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क करना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या वर्क करना है यह भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई हम और हमारे जो मोहम्मद सर है, हम उनको नहीं ला पा रहे बस यहाँ पर, क्योंकि वो लगे हुए काम में। COVID-19 में पढ़ाना हमारे लिए एक तरह का एक चैलेंज था। आपको पता है जिस दिन आपकी पहली क्लास हुई थी, आपको शायद पता नहीं है, उस दिन बाहर नगर निगम का एक अधिकारी आ गया था ऊपर, और उसने आकर मुझे बाहर बुलाया था और मुझसे पूछा था आपका रजिस्ट्रेशन है क्या। और हम उससे पहले 10 दिन तक हमने क्लास चलाई है, हम लोग खड़े थे, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। विनायक जानता है कि हम लोग उससे पहले हर दिन आते थे, क्लास को सेटल करते थे, तब तक कोई नहीं आया। जिस दिन आप लोग आ गए, एक नगर निगम का अधिकारी आ गया। सो हमने भी लगा क्योंकि क्या है, एकदम से सडनली ऐसी चीज की हुई, बट फिर भी हमने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, आप लोगों को बुलाया, क्वारंटाइन हुए, आप लोग आते साथ नहीं गए, ये भी हमारा डिसीजन था कि इनको बुलाएं, कि डायरेक्ट पढ़ाएं, कि क्वारंटाइन करें। फिर हमारे के लिए भी ये चैलेंज था कि आप लोग 10 दिन रहने को तैयार है कि नहीं है। फिर जब आपने माना कि सर मैं 10 दिन रहने को तैयार हूं, एक एक से पूछा गया मेरे काल से यहाँ पे बैठे हुए कि आप लोग 10 दिन तक रहने के लिए तैयार है कि नहीं है। आपने बोला सर हम यहाँ से सीखने के लिए आ रहे, हम यहाँ 10 दिन और रुकने के लिए तैयार है। आप लोगों ने कोई भागावादी, मतलब आपने ये नहीं सोचा कि नहीं मैं आया हूं मुझे पढ़ाने चालू कर दो। आपको भी पता था कि कहीं ना कहीं ये फैक्टर सामने आएंगे कि कोई तीसरा आदमी अगर किसी को लक्षण आए तो वो लक्षण आप में भी आ सकते हैं, ये डर आप में भी था। बकायदा साथ हमने COVID-19 में जितना हो सकता है ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और चैलेंज को पूरा करने के लिए सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, सबसे बड़ा हाथ मेरी टीम का है और हमारे मोहम्मद सर का है, जिन्होंने बकायदा हर चीज में हर टाइमिंग के साथ ये चीज देखी कि कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि जहां आपको, क्योंकि हम लोग क्या है, ये तो हम लोग का ही घर है, आप लोग दूर से आए, हम नहीं चाहते थे कि आप लोगों को कुछ हो, क्योंकि आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपका आने से लेकर ज्यादा तक हर चीज का हमारे को रखना पड़ा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आप में से किसी एक को भी कुछ हो। तो उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि आपने वाकई में सुरक्षा अधिकारी डिस्टेंसिंग में बैठे, मास्क नहीं उतारा आपने, बड़ी गर्मी में बैठे आप, मैं जानता हूं हार्डवेयर की क्लास में आपने बड़ी गर्मी में बैठ के आपने समय निकाला। आप में से कभी किसी ने ये नहीं बोला कि सर मुझे गर्मी लग रही है, सर मैं बाहर बैठ जाऊंगा। आप में से कभी किसी ने नहीं बोला कि सर मुझे हॉस्टल जाना, मैं थक गया हूं। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये बोला कि सर मुझे 2 घंटा और चाहिए, और ये चीज हमने दी कि नहीं दिया बताइए यहाँ पर। तो उन लोगों के लिए भी ये बात ताली बजाइए, तो ऐसा हुआ यहाँ पे किए। मैं अपनी टीम से आपको सबसे पहले बात कराता हूं, और इनके क्या रिव्यू रहे, इन्होंने थ्रू आउट 40 दिन क्या आपके साथ में क्या पल बिताए, ये अपने खुद मुंह से बताएंगे। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा, सबसे पहले आपको कौन मिला क्लास में, ये बताइए। तो फिरोज सर के लिए सबसे पहले बात जोरदार ताली। सबसे पहले मैं एशिया टेलीकॉम को थैंक्स कहना चाहूंगा, और सर को स्पेशली, और पूरी एशिया टेलीकॉम की टीम को, और सभी स्टूडेंट को कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी सर ने आप लोगों के साथ रह के आप लोगों को सिखाने का। और
और यहाँ पे यही कहना चाहूंगा, आप लोगों ने 40 दिन जो भी मेहनत करे हैं इसको बरकरार रखिए। जैसे यहाँ पे हमने 40 दिन आपसे डेली काम कराया है एसएमडी के साथ, तो डेली काम करिए और जो कुछ भी आप सीखे हैं उसको याद करिए, रिवाइज करते रहिए और उसी पे काम करते रहिए। और यहाँ पे मैं हमेशा चार चीज बोलता हूँ कि चार चीज होनी चाहिए एक टेक्नीशियन के अंदर। जैसे उसके पास जो हमारी थ्योरी नॉलेज है, थ्योरी नॉलेज भी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, हैंड स्किल जो है ये होनी चाहिए, और चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंस। पेशेंस रख के काम करिए आप, आपका काम सक्सेस होगा 100%। और थ्रू आउट अपने 40 दिन में बहुत कुछ आप लोगों को ऑलरेडी बोला है क्लास के अंदर, तो लास्ट में फाइनली यही बोलना चाहूंगा कि ये चार चीजों को रख के काम करिए और सर को देखकर मोटिवेट होते रहिए। हमारे लिए एक आइडल है सर, है ना, क्योंकि उनको देख देख के हम काम सीखते हैं, उनको देख देख कर आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा अपने किसी ना किसी को एक आइडल बनाना चाहिए। तो मैं सर को हम अभी सभी लोग आइडल ही मानते हैं और आप लोग भी हमारे लिए प्रैक्टिकल ये कि ऊपर वाले की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा है कि हम सर के साथ खड़े हैं और उनके साथ लाइव यहाँ पे साथ में काम कर रहे हैं और सर से सीखे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक सौभाग्य है। तो यही बात, थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत अच्छा, ये कोरोना के टाइम पे आके आप लोग यहाँ पे काम सीखने आए, यही आप लोगों का अचीवमेंट है कि 40 दिन 50 दिन से आप हमारे साथ हैं यहाँ पे, 10 दिन क्वारंटाइन रहे और 40 दिन यहाँ पे काम सीखे, तो ये एक नॉर्मल आदमी नहीं सोच सकता। कोरोना के टाइम पे कोई बाहर नहीं निकल रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है और आप इतने हजारों किलोमीटर दूर आके यहाँ पे सीखे हैं, तो ये आप सबका ये अचीवमेंट है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। गुरु सर के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, सुनो सर, मैं मतलब कोई भी हो तो सभी हैं मेरे ख्याल से, हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं, हम दिन में नहीं कर पाते क्योंकि दिन में सब बिजी रहते हैं, मे बी रात के 2 बजे 2:30 बजे के बाद हम लोग को थोड़ा समय मिलता है खुद के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 बजे कुछ एक कहीं पोस्ट देख लेते हैं तो उस चीज के बारे में एक मन में चलती रहती है, ये पूछे क्या है। मेरे को आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनमें से किसी को मैंने ना रात में 3 बजे या 3:30 या 4 बजे भी अगर कुछ डाला हो मुझे 1 मिलीसेकंड में रिप्लाई आया। मुझे लगता है ये बदल ही बैठे ही है ये रिप्लाई देने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं अकेला काम कर रहा हूँ, ये सो रहे, कभी भी नहीं। तो ये बहुत हार्ड वर्किंग है और सर बताए इनको देखकर, ये उल्टा कह रहे हैं, इनको देखकर हम मोटिवेट होते हैं, इनको देख के मोटिवेट होते हैं और सुबह 7 बजे नहा धोकर चले जाना बकायदा और रात तक काम करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मेरे को नहीं लगता कि शायद मैं इतना काम कर सकूं जितना ये लोग करते हैं, पर ये बहुत इनके लिए एप्रिसिएशन की बात है मेरे लिए कि मैं, और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी टीम है मेरे को और मैं सच बताऊं आज अगर मैं कहीं ना कहीं एक फ्री फील करता हूँ तो सिर्फ अपनी टीम की वजह से फ्री फील करता हूँ। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे दुर्गे सर को, दुर्गे सर कुछ कहें आप। हेलो एवरीवन, हेलो सर, जैसा कि मैं सर ने बताया कि हम लोग जब क्लास लेते हैं तो क्लास के साथ साथ बस आपको पढ़ाया नहीं गया, जब हम लोग क्लास लेते हैं तो आधा घंटा 1 घंटा आपको मोटिवेट करते हैं, मतलब आपको बिजनेस के बारे में भी बताते हैं। जरूरी नहीं कि आपने सेक्शन बनाना सीख गया पर कस्टमर से बात करना तरीका नहीं आया। तो सबसे बड़ी चीज होती है गुड बिहेवियर, अगर आपका अच्छा व्यवहार नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे कितना भी अच्छा नॉलेज हो आपको। तो ऐसे ही मैं छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ, छोटी सा एक स्टोरी है। दो आदमी रहते हैं तो एक पूछता है दूसरे से कि आप ये बताओ इस दुनिया में सबसे अच्छा कौन है, तो दूसरा बोलता है कि अच्छा तो कोई नहीं है, यहाँ पे सब बुरे हैं। तो उन्होंने बोला मेरा ये तो जवाब नहीं हुआ, तो वो कहता क्या है कि वो तो बोला कि बुरे सब हैं पर वो उसका भी जवाब दिया अच्छा वो है जो थोड़ा कम बुरा। मतलब आपको भी आपके जीवन में भी बहुत से लोग मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे बुरे भी मिलेंगे। तो उसने एक बात कही कि बुरे सभी हैं पर थोड़ा अच्छा वो है जो थोड़ा कम बुरा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको बात को? तो ऐसे ही आपके लाइफ में भी है, आपको मेहनत करना है। हमने आपको एक रास्ता बताया है कि आपको चलना कैसे, आपको लॉन्ग भी बताया है, आपको शॉर्ट भी बताया है, तो आपको दोनों चलना है। पहले आपको हार्ड वर्किंग करना है, मतलब आपको पहले लॉन्ग रूट को अपनाना है, फिर जाके अपने आप को शॉर्ट हो जाएगा और मेहनत करेंगे तो कामयाबी 100% होता है। आप मिलन सर को बुलाना चाहूंगा,
मुझे अच्छे से याद है कोविड-19 में जब लॉकडाउन हुआ था तो ये तब हमारे साथ ही थे और 24 तारीख को शायद लॉकडाउन हुआ था और उस दिन हमारा क्लास का आखिरी दिन था। उस दिन भी हमारी EMMC का क्लास चल रहा था और बीच EMMC की क्लास में हमने क्लास को रोका था, बट उसके बाद सर रुके थे यहाँ पर क्योंकि बहुत हार्ड लॉकडाउन था। उसके बीच में फिर 2 महीना सर ने यहाँ पर रुके और अकेले कमरे में बैठकर वो लॉकडाउन निकाला। मुझे इनके लिए काफ़ी बुरा लगता था, हमारे पास तो उस टाइम पे एक सेटअप होता था घर पे, इनके पास तो वो भी नहीं होता था। एक हार्ड वर्किंग गाय मतलब एक ऐसा टेक्नीशियन जिसका जिस्म और जिसको कपड़े बोलते हैं ना, तो हमारा जिस्म अगर हमारे कपड़े हमारे टूल्स है, हम सच बताएं, और आज हम इसी लायक हैं और आज इसी लायक होने के बाद हम यहाँ खड़े हुए हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर हम किसी को प्रायोरिटीज देते हैं ना तो वो अपने काम को देते हैं सुबह उठकर या रात के सोने से पहले। तो उसमें सबसे बड़ा जो नाम अगर मैं आपसे लूंगा है मिलन सर है। ऐसी लॉकडाउन में ये बंदा यहाँ से गया और यहाँ से आया, तो इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए क्योंकि मैंने इनसे बोला था कि मिलन इनके यहाँ जब आ रहे थे ना तब इनके यहाँ तभी भी लॉकडाउन लगा था वेस्ट बंगाल में, WB में ना इनका लॉकडाउन लगा था और काफी तबाही भी हुई थी उस टाइम पे। मैंने कहा था मिलन क्लास लगी है अपन को आज करना है, इसने बोला था सर मैं क्लास के एक दिन पहले आ जाऊंगा और मैं यहाँ पे आपसे वादा करता हूँ कि इस बार मैं जो इन बच्चों को दूंगा ना ये बच्चे वो लेके जाएंगे जो अब तक कोई नहीं लेके गया, और ये इस बार आपके लिए खास तौर पे इन्होंने मेरे से बोला सब्जेक्ट में चेंज करेंगे सर, इस बार इनको जो हम प्रैक्टिकल देंगे हार्ड जो हम करवाते हैं हम सबसे ब्लैक टेस्टेड करवाते हैं, पर इस बार कहा था हम पूरे 10 के 10 दिन ब्लैक टेस्ट कराएंगे वो सिर्फ इन सर की वजह से। तो एक बार इनके जोरदार ताली है। गुड आफ्टरनून ऑल, गुड आफ्टरनून सर। तो यहाँ पे सर ने जो बहुत बड़ी तारीफ कर दी है, सर ने जो तारीफ कर किए है ना तो उसके लायक बनाया है सर मुझे। मुझे अच्छे से याद है मैं सर के पास जब काम सीखने के लिए आया था, स्टूडेंट हूँ, काम सीखने के लिए आया था तो मुझे कंपोनेंट पर पता ही नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, सिर्फ हवा में काम करता था, काम हो भी जाता था मुझे पता नहीं चलता था। अब जब मैंने काम सीखा, काम सीखने के बाद हमें दुकान मतलब रोड बना हुआ था, दुकान तोड़ गई तो सबको मैंने बताया, सर ने बोला यहाँ आ जाओ तुम, तो सर को देख के मैं अपने आप में इतनी चेंजेस लाया, इतनी चेंजेस लाया, आज यहाँ खड़ा हूँ सर के साथ। मैं अगर मेरी जिंदगी में कुछ तमन्ना है तो इन जैसे बनने की मेरी जिंदगी में। और एक बात दोस्तों याद रखो, जिंदगी में दो चीजों को कभी मत छोड़ना, एक वो माँ बाप और एक जो साथ में लेके चलता है, अगर उनको तुम एक बार छोड़ दिए ना तो जिंदगी आपकी नरक बन जाएगी। मेरे साथ बहुत ऐसे कुछ हो चुका है, तो बहुत जगह से ऐसे आता है कि आप यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ, मैं हर एक चीज को मना कर देता हूँ। ये हमारी साथ लेके जो चलता है वो सबसे महान होता है, वो कोई नहीं कर पाता है। तो मैं सर को दिल से धन्यवाद देता हूँ इसके लिए कि मुझे इस लायक बनाने के लिए। आप लोगों के साथ कौन है? एशिया टेलीकॉम। आप लोगों के साथ कौन है? आप लोगों के साथ मैंने कहा कि हम जब बात करते थे ना मोहम्मद सर के साथ में, कभी रात में हम लोग करते थे, डिस्कस करते थे, हमने कहा था कि सर एक बात तो याद रखना, इस बार जो हम लोग चेंजेस किए कोविड-19 के बाद, अब स्टूडेंट को हमें ना आग पैदा करनी है, अब इनको कभी छोड़ना नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट वाकई में यहाँ से जाने के बाद नहीं कर पाता, मैं आज यहाँ से कह रहा हूँ, अगर आप में से आज भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो किसी वजह से टूल नहीं ले पाए और थोड़ा लेट हो गया, जैसे सपोज आपने 1 महीना लगा दिया UFI खरीदने में और आपको लगा कि मैं थोड़ा भूल गया हूँ या मेरे को याद नहीं आ रहा या कुछ याद नहीं आ रहा, तो मेरे पास एक बार हमेशा याद रखना, वो एक हथियार आपके पास हमेशा रहेगा। वो हथियार क्या है यहाँ पर बताइए, सपोर्ट बैक, कम बैक, क्या है? कम बैक, याद रखना, किसी भी टाइम एक कॉल करना, बस बोलना सर मैं 2 दिन के लिए आ रहा हूँ, सिर्फ 2 दिन के, भले 10 दिन दूंगा मैं, 10 दिन बहुत होगा आपके लिए, आप बोलना सर मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आऊंगा, 10 भी नहीं, और आपको जो सीखना है आपको वो सिखाएंगे, वो हम वो नहीं सिखाएंगे तो हम सिखाते हैं, आप जो बोलेंगे सर मुझे ये सिखाओ मैं वो सिखाऊंगा, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो ये चीज इस बार हमने कोशिश की है कि टूटे ना, टूटेगी क्या आप लोगों के साथ? अगर आप लोग इसे टेलीकॉम से जुड़े हैं ना तो अब आप लोगों को ये काम कभी नहीं छोड़ना है, एक बार ध्यान रखना। मैं जो फ्रेशर जो आए बच्चे, एक बार हाथ उठाओ फ्रेशर बच्चे, आप जो आए हैं
क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि काम सीख जाने के बाद में ज्यादा महंगे टूर होने के कारण या कभी अच्छी सी दुकान जगह पे नहीं ले पाते, क्योंकि देखो बिजनेस के भी काफी मैनेजमेंट के भी कुछ फंडे होते हैं। हम बहुत बड़ा शोरूम लेके बैठ जाए, आपको पता है आज मैं अगर मर्सिडीज वालों के पास जाऊँ बोले सर मेरे पास करोड़ों होते हैं मेरे को दे दो, तो मुझे देंगे नहीं, वो पहले पूछेंगे कि आप सब रहते किधर हो, आप खोलोगे किधर। अब मैं बोलूंगा सर मैं तो अपने घर के पीछे टपड़े गया, वहां पे एक बहुत बड़ा मेरा आता 10,000 स्क्वायर फीट है, बोलेंगे सर वहां कोई मर्सिडीज खरीदने आएगा क्या, पहले वो ये पूछेगा कि आपके शहर में क्या कितनी लोग रहते हैं टोटल, अब वो पूछेंगे कि क्या आपके टोटल लोग हैं, मैं बोला सर 10 लाख, 10 लाख लोग रहते हैं, बोलते उन 10 लाख लोगों में आप रेशो निकालो कि कितने लोगों की आमदनी 1 लाख से ऊपर है, कितने लोगों की आमदनी 10 लाख से ऊपर है महीने की, कितने लोगों की आमदनी 50,000 से ऊपर है। मैं बोला सर 10 लाख में से सिर्फ मान के लो 50,000 ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए से ऊपर है। बोले सर आप बताइए अगर मैं आपको अपनी दे दूं मर्सिडीज का, आपको अपनी फ्रेंचाइजी दे दूं, तो क्या आप 50,000 लोगों को बेच पाएंगे क्या, मुझे आंकड़ा चाहिए, क्योंकि कल अगर आप नहीं बेच पाए और कल अगर आपने इतना करने के बाद भी बंद कर दिया तो नाम आपका नहीं, नाम किसका खराब होगा, मर्सिडीज वालों का, बोलेंगे यार मर्सिडीज कूड़े में पड़ी हुई है बिक नहीं रही। तो आपको एक बार ध्यान रखना है कि दुकान खोलने के लिए ना कोई भी ऐसी जगह पे मत चुनिएगा जहां आपको लगे धंधा ना आए, थोड़ा सा वट वेट कर लीजिए या तो घर से काम कर लीजिए, क्योंकि अगर आप कोई साइड वाइड किनारे पे दुकान जाके खोलेंगे ना और धंधा नहीं आया तो आपका बड़ी बड़ी आईसीआई उठाने का भी कोई फायदा नहीं पड़ेगा, आपका काम ही नहीं आएगा, और जब ज्यादा काम नहीं आएगा तो ज्यादा सीखने का मौका नहीं मिलेगा, जितना ज्यादा काम आएगा उतना ही मौका मिलेगा सीखने का। अगर हर दिन में 3 मोबाइल आते ना तो आप सोचो 3 मोबाइल जितना सीखोगे हर दिन में, पर अगर हर दिन में सिर्फ 1 मोबाइल आया या हर 2 दिन में 1 मोबाइल आया तो क्या सीखोगे, फिर एक लाइट सेक्शन अभी सीख कर चलेगा, मान लो 10 दिन तक कोई लाइट का मोबाइल ही नहीं आया तो लाइट सेक्शन दिमाग से निकल जाएगा, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, तो अभी मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करूंगा हमारे इंडिया के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर और जो ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर है और जो मार्केट में बहुत जल्द ऑफलाइन भी आने वाले हैं जिनका नाम हर कोई जानता है, और वो है ZX मलिक के पास जोड़ा तरीके। इनके बारे में तो सब जानते हैं ऑलरेडी, एक काफी जाना माना एक इनका नाम है, अब इनका जाना माना फेस हो गया है। और मलिक सर के बारे में मैं इतना कहूंगा कि आज तक इन्होंने टूल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, हमारे जितने भी जो हम स्टूडेंट के साथ जो टूल्स देते हैं वो हम मलिक सर से देते हैं, क्योंकि हमेशा ओरिजिनल प्रोडक्ट ये करते हैं और वो चीज जो प्रोडक्ट होता है, क्योंकि अगर हम किसी भी एक टूल को पकड़ के चले ना तो उसकी 10 कॉपियां, एक नहीं। आपको पता है आजकल तो लोग होलोग्राम लगा के भी कॉपी बना लेते हैं, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि जो आप खरीद रहे हो वो वाकई में वो सही है कि नहीं सही है, एक महीने के बाद में जाके वो पता चलता है, हीट देना बंद कर दिया, या आपको पता चलेगा यार सर वो लेने के बाद भी एक्सटेंशन भूल रही है, तो सिर्फ टूल की वजह से। तो मलिक सर से पहले कुछ इंट्रोड्यूस हो जाए मलिक सर का। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और मैं सबसे पहले एशिया टेलीकॉम और एशिया टेलीकॉम की पूरी टीम को अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर ने मुझे इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया और मुझे बोला कि हम ऐसे फेयरवेल करते हैं लेकिन इस बार तुम आओ, क्योंकि हम चाहते हैं कि अभी तक तुम जितना बैकएंड सपोर्ट एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट को देते थे अब वो आके तुम एक बार उन्हें बताओ कि तुम क्या उनके लिए देते हो, क्योंकि अभी कैसा हो चुका है कि काफी मार्केट में बहुत सारे टूल जो हैं वो कॉपी हैं और ओरिजिनल हैं और हम क्या बेस्ट देते हैं, और खास तौर पे तो जैसे आपने मेरा नाम हमेशा देव सर के ही मुंह से सुना होगा और उनके चैनलों पे और वो हमेशा मेरे बारे में बोलते हैं, तो हम एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंटों को स्पेशल क्या कराते हैं और हमारा भार क्या है, हम किस तरीके से वर्क करते हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आप लोगों को आज बताता हूँ। सबसे पहला मेरी सबसे जो फर्स्ट मीटिंग थी, जो मेरी पहली बार बात हुई थी वो अब से 6 साल पहले 2014 के अंदर हुई थी, और तब से आज तक सर ने मुझे इतना सपोर्ट किया, जैसा कि आप उनके नेचर को जानते हैं कि उन्होंने मेरे, मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो आज तक यहाँ से पढ़ के गए हैं जो जा चुके हैं, और उनमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो मिसगाइड हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं, उन्हें भी सर बाद में भी सपोर्ट करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इनके बारे में बुरा बोला और बुरा कहा लेकिन आज उन्हीं स्टूडेंटों को सर सपोर्ट करते हैं, ये एक अपने में बहुत बड़ी बात है जो सर ने हमेशा स्टूडेंटों को सपोर्ट किया है। अब मैं बताता हूँ मेरा जो काम है वो मोबाइल टूल्स इक्विपमेंट का है, मैं ऑल ओवर इंडिया टूल्स प्रोवाइड कराता हूँ मोबाइल टूल्स, और ओरिजिनल टूल हमारा सबसे पहला मेथड है कि हम सिर्फ और सिर्फ
ओरिजिनल टूल ही प्रोवाइड कराते हैं। हम टूल्स के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करते कि हमें सस्ता देना है या महंगा देना है या हमें चीप रेट दे देना है। हमारे रेट में भी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी वजह सिर्फ ये होती है कि हमारा टूल जो होता है वो 100% ओरिजिनल होता है। और दूसरी बात, हम आपको होम डिलीवरी प्रोवाइड कराते हैं। आप हिंदुस्तान के किसी छोटे से गांव से भी हैं, अगर आपके यहाँ छोटा सा, बहुत छोटा सा, जिसे कहते हैं कि पहाड़ी एरिया में हो गया या हिंदुस्तान के निचले हिस्से में हो गया, जैसे आप कर्नाटक की साइड जाएंगे या कश्मीर की साइड जाएंगे, यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम हर एक गाँव में अपनी डिलीवरी सर्विस जो है वो पहुँचाते हैं। और आपको हमेशा एक चीज जो हम देते हैं वो देते हैं बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट गारंटी, जो आज तक कोई नहीं देता। गारंटी में हमारा ये होता है कि आपके प्रोडक्ट खराब हुआ, प्रोडक्ट खराब अगर आपका निकला है, आप हमें सिर्फ उसकी वीडियो देंगे, हम उसे आपको हैंड टू हैंड रिप्लेस करा के देंगे। ऐसा नहीं है आप भेजोगे आपका रिटर्न होगा और उसके बाद आपका टाइम वेस्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा एम शुरू से ये रहा है कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आपका नुकसान होगा तो वो हमारा नुकसान होगा। आपने नुकसान किया तो आप बिल्कुल फिर कभी भविष्य में दोबारा इधर नहीं आएंगे। और सर, हमेशा जो इतने जोश से बोलते हैं ना, वो इसीलिए बोलते हैं कि सर को पता है कि हमारी सर्विस कैसी है और सर ने हमें कैसा सपोर्ट किया है, और आप स्टूडेंटों को हमेशा बेटर देने के लिए कोशिश करते हैं। तो मैं फिर से सर के लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ। सबसे पहले ना स्टूडेंट के लिए खास तौर पे एक टी शर्ट डिजाइन की है मलिक सर के तरफ से, एक टी शर्ट टेलीकॉम एक गेडेस मलिक यहाँ पर, और एक पीछे दिखा दीजिए पावर्ड बाय गेडेस मलिक की, और अब एक टीचर लोग के लिए भी उन्होंने कुछ किया है, दिखाइए। और ये भी अपडेट होते रहेंगे, ये आप सभी लोगों के लिए एक गिफ्ट है ये टीचर लोगों के लिए। तो आप सभी लोगों को एक एक करके पहले टी शर्ट दे देते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों की तरफ से हमारे मलिक सर की तरफ से, और मैं एक और को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा यहाँ पर, इरफान भाई। तो एक बार उनका भी इंट्रोडक्शन दिलाना चाहता हूँ, वो कुछ अपनी तरफ से वो बताएंगे। आइए, ये हमारे मलिक सर के साथ में आए हुए हैं, इरफान भाई कहिए कुछ अपने बारे में बताइए यहाँ पर। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। पहली बात तो मेरा नाम इरफान अंसारी है, मैं मुंबई से हूँ। जैसे कि सर ने बोले थे हर चीज़ को अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है, तो इसी तरीके से जेड एक्स मलिक टीम को जो हमको लेके चलना है, क्योंकि मोबाइल का सामान, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए दो चीज़ रिक्वायरमेंट देती है, कभी भी ध्यान रखना, बिजनेस चलाने के लिए दो चीज़ रिक्वायरमेंट देती है, रिलेशनशिप और रिसोर्सेस। रिलेशनशिप तो आपके एरिया में आप बना लेंगे, पर अगर रिसोर्सेस नहीं रहेगा तो आप वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि मोबाइल जब किसी कोई कस्टमर अभी आपको देता है बनाने के लिए, तो वो यही चाहता है कि मैं कम टर्न अराउंड टाइम, जिसको टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं, जब मोबाइल जब कस्टमर से आपके हाथ में आता है, जब आप डिलीवर करते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है आप कितना फास्ट डिलीवरी दे रहे हैं। यदि आपके पास रिसोर्सेस रहेगा, जैसे कि इक्विपमेंट टूल ने, लेटेस्ट टूल है ना, अपग्रेड कर सकते हैं आप, फटाफट काम कर सकते हैं। इसके लिए अगर कुरियर सर्विस में इश्यू होती है, तो हमारे यहाँ मलिक जी ने जैसे कि बताया कि हमारे बहुत सारे अलग अलग कंट्री में पैन इंडिया में ब्रांच खुलने वाले हैं, जिसमें से मैं एक मुंबई हैंडल करने वाला हूँ। इसकी तरीके से बाकी के सब ब्रांच भी आपको डिस्क्लोज किए जाएंगे। तो आपको जो टूल जो 3 दिन लगता था, 4 दिन लगता था, वो आपके लोकल एरिया में प्रोवाइड किया जाएगा। हम इस तरीके से सपोर्ट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, आपके सपोर्ट और एशिया टेलीकॉम के गाइडेंस और सपोर्ट के थ्रू हम यहाँ तक पहुँच सके। और मैं सबसे पहला धन्यवाद करूँगा एशिया टेलीकॉम का और जेड एक्स मलिक जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ इंट्रोड्यूस कराया, शुक्रिया। अब इनकी तरफ से जो गिफ्ट ऑफर है वो आपको दिए जाएंगे। इसमें गिफ्ट ऑफर में मैं बता दूं कि यहाँ हमने डिस्क्लोज नहीं किया है कि आपको क्या मिलने वाला है, या आप यहीं पे आके खोलेंगे, किसी को कुछ भी मिल सकता है। इसमें जेडेस आईएसपी भी मिल सकता है, इसमें एक स्क्रू ड्राइवर जो एक अच्छी क्वालिटी के है, स्क्रैपर, और इसमें क्या रखा हुआ इसके अलावा, जेडेस आईएसपी, उसके अलावा और स्क्रैपर, ये तीनों में से आपको कुछ भी मिल सकता है। और इसके साथ आपको एक कूपन यहाँ पे दिया जा रहा है, कूपन दिखाइए यहाँ पर, ये देखिए, एक आप यहाँ पर आपको हर एक ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट को यहाँ पे कूपन दिया जाएगा, जेड एस मलिक की टीम की तरफ से 5,000 रुपए का डिस्काउंट का कूपन है यहाँ। ₹5,000 का ये कूपन पावर बाय एशिया टेलीकॉम, जो हमारे सर जेड एस मलिक और उनकी टीम, और यहाँ इरफान भाई,
कि इनकी तरफ से यहाँ पर हर ईच स्टूडेंट को दिया जा रहा है, जो कि इंडिया में अब तक ये पहली एक शुरुआत है। यहाँ पर ये देखिए आप, तो एक एक करके स्टूडेंट को बुलाते हैं और देखते हैं कि किसके पास क्या आता है। बुलाइए सुनील, सुनील आइए, पूरा नाम सुनील। आप लोग एसपी मिला है इनको यहाँ पर। आइए सुनील यूपी, प्रीमियम क्वालिटी का स्क्रू ड्राइवर है जिसकी मार्केट भी क्या एमआरपी है? 1200 से 1500 के बीच। जबरदस्त एक मिनट इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?